मैं एक ऐसी शख्सियत को आवाज दे रहा हूँ जिसके नाम के साथ उनके वालिद का नाम जुड़ता जरूर है, लेकिन मैं आज उनके नाम के बगैर उनको आवाज देता हूँ। हमारे दोस्त उस्मान मीनाई हमारे दरमियान हैं, उनका उनकी चार लाइनें पढ़ के उनको बुलाता हूँ। आप हजरात समाप्त करें कि अपना भारत भी एक वक्त उन्होंने एक ओलंपिक के वक्त में सुनाया था कि अपना भारत भी थोड़ी सी हनक पा जाता, इस अंधेरे में वो थोड़ी सी चमक पा जाता, और झूठ का खेल जो होता कहीं ओलंपिक में अपना फेंकू भी तो सोने का पदक पा जाता। और सईद हाशमी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, मलिकजादा मंजूर अहमद साहब और अजीज रब्बानी साहब की याद में ये प्रोग्राम मुनक्किद करने की। ये जौनपुर की सरजमीन अदब के हवाले से बहुत ही जरखेज सरजमीन है। यहाँ पे शफीक जौनपुरी, वामिक जौनपुरी, कामिल शफीकी और शायर जमाली साहब जैसे शोहरा ने जन्म लिया है। मैं एक शेर से आगाज कर रहा हूँ, समाज फरमाइएगा जी। अर्ज किया है कि हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान जी, हद से गिरी जबान है, हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान। बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? बहुत खूब उस्मान भाई, क्या कहना? बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? क्या बात है, क्या बात है। रेहान हाशमी फिर पीछे चले गए, आपको आगे बुला रहा हूँ। अरे सईद हाशमी, ये अच्छा नहीं कर रहे आप। सईद भाई आप यहाँ आइए जी। हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान। बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? मिराज खान साहब, शेर हाजिर करता हूँ। अर्ज किया कि अंग्रेज भी लड़ाते थे, ये भी लड़ाए हैं। अंग्रेज भी लड़ाते थे, ये भी लड़ाए हैं। औलाद अपने बाप के नक्शे कदम पे है। क्या क्या मिसरा है भाई, क्या क्या मिसरे। बहुत गुड। अंग्रेज भी लड़ाते थे, अंग्रेज भी लड़ाते थे, ये भी लड़ाए हैं। औलाद अपने बाप के नक्शे कदम पे है, औलाद अपने बाप के नक्शे कदम पे है। एक शेर और हाजिर करता हूँ कि तावीज देने वालों कहाँ पर छुपे हो तुम। तावीज देने वालों कहाँ पर छुपे हो तुम, तावीज देने वालों कहाँ पर छुपे हो तुम। कुछ न्यूज चैनलों पे भी सिफली अमल करो। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है उस्मान भाई, बहुत खूब माशाल्लाह। तावीज देने वालों कहाँ पर छुपे हो तुम, कुछ न्यूज चैनलों पे भी सिफली अमल करो, कुछ न्यूज चैनलों पे भी सिफली अमल करो। हम लोगों में खराब बात यह है कि फिरके बहुत हैं और सब एक दूसरे को दोजख में डाला करते हैं। यहाँ से एक शेर हाजिर करता हूँ जी। अर्ज क्या कि जिसे भी देखो जहन्नम में डाल देते हो, जिसे भी देखो जहन्नम में डाल देते हो, जिसे भी देखो जहन्नम में डाल देते हो। तुम्हारे हाथ में क्या मगफिरत का ठेका है। वाह 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 वाह, जिसे भी देखो जहन्नम में डाल देते हो। तुम्हारे हाथ में क्या मगफिरत का ठेका है, तुम्हारे हाथ में क्या मगफिरत का ठेका है। एक शेर और हाजिर करता हूँ कि मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, कोरोना काल में आप लोगों ने देख लिया होगा कि मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, इन अस्पतालों से तो इंतकाल अच्छा। अरे क्या कह दिया, क्या कह दिया उस्मान भाई, क्या कह दिया। वाह 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 वाह, क्या जवाब नहीं उस्मान भाई, मशायरे को वाकई बुलंदी की तरफ ले जा रहे हैं उस्मान भाई, बहुत खूब। मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, इन अस्पतालों से तो इंतकाल अच्छा है। वाह, इन अस्पतालों से तो इंतकाल अच्छा है। एक शेर और हाजिर करता हूँ कि पुराने दौर में बंदूक लेके आते थे, पुराने दौर में
बंदूक लेके आते थे। हमारे दौर के डाकू तो लोन लेते हैं। वाह वाह, अच्छा भाई, अच्छा भाई। क्या कह दिया, बहुत खूब। पुराने दौर में बंदूक लेके आते थे, हमारे दौर के डाकू तो लोन लेते हैं। गुड्डू भादो साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गुड्डू भादो साहब है। एक शेर और समाज फरमाइए कि अपने जादू पे बहुत नाज न कर जादूगर, अपने जादू पे बहुत नाज न कर जादूगर, कोई जादू हो वो बंगाल में कट जाता है। वाह 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 वाह, अपने जादू पे बहुत नाज न कर जादूगर, कोई जादू हो वो बंगाल में कट जाता है। एक शेर यह है कि अपने घर में उसे इज्जत से अदब से रखो, अपने घर में उसे इज्जत से अदब से रखो, वो अगर माँ है तो गलियों में भटकती क्यों। वाह वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत शेर। अपने घर में उसे इज्जत से अदब से रखो जी, क्या कहना। वो अगर माँ है तो गलियों में भटकती क्यों है। अर्थ क्या है कि मिटेगा बदन से करप्शन का हर दाग, मिटेगा बदन से करप्शन का हर दाग, कमल छाप साबुन से खाली नहा लो। अरे क्या कहना भाई, क्या कहना, क्या कहना उस्मान भाई, बहुत वाह 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 वाह। मिटेगा बदन से करप्शन का हर दाग, मिटेगा बदन से करप्शन का हर दाग, कमल छाप साबुन से खाली नहा लो, कमल छाप साबुन से खाली नहा लो। एक मसला ये हाजिर करता हूँ कि हर आदमी का लहू तक निचोड़ लेती है। वाह हर आदमी का लहू तक निचोड़ लेती है, टिकट के वास्ते 2.5 करोड़ लेती है। क्या बात है, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। क्या कहना है भाई, उस्मान भाई को निशाने पे लेना आता है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत आपका दर्द बयान हुआ, ये भी सही बात है। उस्मान भाई पढ़िए। हर आदमी का लहू तक निचोड़ लेती है, टिकट के वास्ते 2.5 करोड़ लेती है। अर्ज क्या है कि कभी जबर, बस बस वसीम साहब बस, आपको शेर सुनने भी हैं जी। उस्मान भाई पढ़िए। कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं जी, कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं, तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं। वाह, तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं, और मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। ये तो बहुत सच्चा शेर है, बहुत सच्चा शेर है। वाह 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 वाह, क्या बात है उस्मान भाई, जिंदाबाद उस्मान मिनाई, जिंदाबाद। कभी जबर तो कभी देर में निकलते हैं, तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं, मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता, बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। अर्थ क्या है कि फूल में मिलते हैं, खारों में नहीं मिलते हैं, फूल में मिलते हैं, खारों में नहीं मिलते हैं। हम कलंदर हैं, नजारों में नहीं मिलते हैं, हम कलंदर हैं, नजारों में नहीं मिलते हैं। तंग इतना किया सज्जादा नशीनों ने उन्हें, तंग इतना किया सज्जादा नशीनों ने उन्हें, अब बुजुर्ग अपने मजारों में नहीं मिलते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। तंग इतना किया सज्जादा नशीनों ने उन्हें जी, तंग इतना किया सज्जादा नशीनों ने उन्हें, अब बुजुर्ग अपने मजारों में नहीं मिलते हैं, अब बुजुर्ग अपने मजारों में नहीं मिलते हैं। अर्ज क्या है कि शेर जो सच थे
वही शेर निकाले हमने बहुत जी जी निजामत मदर भाई की, और क्या कि शेर जो सच थे वही शेर निकाले हमने, अपने होठों पे लगाए नहीं ताले हमने। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। क्या लाजवाब पढ़ाए भाई, लाजवाब कथा है भाई। उस्मान भाई जिंदाबाद, क्या बात है, फिर से पढ़िए। एजाज साहब भी बहुत खुश हुए और भतीजा हमारा आपके लिए हार लेके आया। और चलिए उस्मान भाई का कोई जवाब नहीं, पढ़िए। नाजिम मुशायरा 56 साल के होने वाले हैं। जी उसी पे ये मुशायरा भी मुनक्किद है। फिर से पढ़ूं इनको, ये उस्मान भाई पढ़िए। शेर जो सच थे वही शेर निकाले हमने, अपने होठों पे लगाए नहीं ताले हमने। आयतल कुर्सी हिफाजत के लिए काफी है, अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। क्या कह दिया, अपने घर में कभी कुत्ते नहीं पाले हमने। अर्थ क्या है कि सबको फंसाया जाता है मजहब के जाल में, सबको फंसाया जाता है मजहब के जाल में। बैठे हुए हैं भेड़िए नेता की खाल में, बैठे हुए हैं भेड़िए नेता की खाल में। मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल न हो सकी, वाह, मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल न हो सकी। उम्मत टहलती रहती है लूलू के माल में, वाह 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 वाह। क्या बात है, क्या बात है उस्मान भाई, वाह वाह वाह। उस्मान भाई ने तो मुशायरा हिट कर दिया भाई, बहुत खूब, बहुत खूबसूरत। यहाँ तक कि साकिब भाई के साथ तारिक साहब जाके बैठ गए, छोटे भाई हमारे, और वहां से सिर्फ दाद देने के लिए बैठे हैं, क्योंकि पीछे से यहाँ से दाद देने में वो मजा नहीं है जो सामने है। रेहान साहब हमारे आज के सदर हैं, उनकी तरफ से भी आपको बहुत दाद मिल रही है लेकिन दिख नहीं रही है। बहुत मोतबर सदारत रेहान जी, मैं हाजिर करता हूँ कि मस्जिद में एक सब भी मुकम्मल न हो सकी। जी उम्मत टहलती रहती है लूलू के माल में, उम्मत टहलती रहती है लूलू के माल में। एक शेर जो है सूरे रहमान के पस मंजर में समात फरमाइए। जी क्या है कि मिलता है सदा मुफ्त जमाने में सभी को, मिलता है सदा मुफ्त जमाने में सभी को, सूरज के उजालों का कभी बिल नहीं आता। वाह 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 वाह, क्या क्या शेर निकाले मान भाई। मिलता है सदा मुफ्त जमाने में सभी को, सूरज के उजालों को कभी बिल नहीं आता। और मैं शिर्क नहीं करता कभी इश्क में उस्मान, मैं शिर्क नहीं करता कभी इश्क में उस्मान, हर एक की सूरत पे मेरा दिल नहीं आता। क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, वाह 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 उस्मान भाई। मैं शिर्क नहीं करता कभी इश्क में उस्मान, हर एक की सूरत पे मेरा दिल नहीं आता। अर्ज क्या है कि हर एक झूठ पे हर एक गुमान पर लानत, हर एक झूठ पे हर एक गुमान पर लानत, हुकूमतों के एक एक बयान पर लानत। जी अब आसमान से आवाज आती रहती है, अब आसमान से आवाज आती रहती है, खबीस रिजवी तेरे खानदान पर लानत। क्या कह दिया भाई, क्या कह दिया, वाह 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 उस्मान भाई, बहुत खूब, बहुत मुबारकबाद। उस्मान मीनाई साहब को आपकी मोहब्बतें दोबारा यहाँ ला रही हैं, और तारिक सिद्दीकी साहब ऊपर तशरीफ ला रहे हैं। हमारे मुशायरे में रूह का काम करने वाली शख्सियात जैसे तंदूरी दरबार, आरिफ और शहनवाज हमारे बीच, जनाब कासिम मुस्तफ़ा, डॉक्टर शकील अहमद सिद्दीकी यहाँ तशरीफ फरमा है, तो हम ये महसूस कर रहे हैं कि मुशायरा उनकी पीठ पर चल रहा है, यानी कि उस वो उसके पल्लोदार हैं, और मैं चाहता नहीं कि वो जाएं। बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने मुशायरा सुना, मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। उस्मान मीनाई आपकी मोहब्बतों के हवाले। ये जो सलीम खान साहब की दिल आजारी हुई है जी जी जी,
एक मतला समाज फरमा लिए है। अर्थ क्या है कि इलेक्शन तक गरीबों का वो हुजरा देखते हैं, इलेक्शन तक गरीबों का वो हुजरा देखते हैं, हुकूमत मिल गई तो सिर्फ मुजरा देखते हैं। आखिरी है भाई है कि उस्मान भाई मजा आ गया। इलेक्शन तक गरीबों का वो हुजरा देखते हैं, हुकूमत मिल गई तो सिर्फ मुजरा देखते हैं। अर्थ क्या कि कागज पे हो रहा है जो निर्माण देख लो, यूपी में झूठ मूठ का जापान देख लो, यूपी में झूठ मूठ का क्या बात है, क्या ये आवाज कहां से आई? बड़े पेशेवर अंदाज में सीटी बजाई आपने। हाँ जी, कागज पे हो रहा है जो निर्माण देख लो, यूपी में झूठ मूठ का जापान देख लो, सबका विकास देखने आए हो लखनऊ, सबका विकास देखने आए हो लखनऊ, दीवार में छुपा हुआ शमशान देख लो, सबका दीवार में छुपा हुआ शमशान देख लो, दीवार में छुपा हुआ शमशान देख लो। एक सईद हाशमी साहब ने चार मिसरों के लिए हुक्म दिया है, और क्या है कि कभी टोपी कभी दस्तार में फोटो खिंचाते हैं, कभी टोपी कभी दस्तार में फोटो खिंचाते हैं, अंगोछा डालकर अफ्तार में फोटो खिंचाते हैं। वाह 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 वाह, अंगोछा डालकर अफ्तार में फोटो खिंचाते हैं, फरिश्ते छीन लेते हैं सवाबो अज्र भी उनसे, फरिश्ते छीन लेते हैं सवाबो अज्र भी उनसे, जो कंबल बांटकर बाजार में फोटो खिंचाते हैं। क्या कह दिया, क्या कह दिया, क्या कह दिया, वाह 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 वाह, कभी टोपी कभी दस्तार में फोटो खिंचाते हैं, अंगोछा डालकर अफ्तार में फोटो खिंचाते हैं, फरिश्ते छीन लेते हैं सवाबो अज्र भी उनसे, जो कंबल बांटकर बाजार में फोटो खिंचाते हैं। अर्ज क्या है कि जब भी मरा कहीं पे बड़े घर का आदमी, जब भी मरा कहीं पे बड़े घर का आदमी, जब भी मरा कहीं पे बड़े घर का आदमी, तो चौक पर लगा दिया पत्थर का आदमी, चौक पर लगा दिया। वाह, जब भी मरा कहीं पे बड़े घर का आदमी, तो चौक पर लगा दिया पत्थर का आदमी। और कालिख कहां से आ गई इतनी वजूद में, कालिख कहां से आ गई इतनी वजूद में, मिट्टी का आदमी है कि डामर का आदमी? क्या कह दिया भाई, क्या कह दिया, क्या कह दिया उस्मान भाई, बहुत खूब। कालिख कहां से आ गई इतनी वजूद में, जी मिट्टी का आदमी है कि डामर का आदमी? हमारे बहुत ही मोहतरम ताहिर फराज साहब, मोहतरम अना देहलवी साहिबा और अजहर इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं, मैं हाजिर करता हूं कि कमरों में बंद है न वो ताखे बका में है, अब कुफर का चराग तो शहरे हवा में है। वाह, अब कुफर का चराग तो शहरे हवा में है, मैं दुश्मने रसूल का क्या फैसला करूं, मैं दुश्मने रसूल का क्या फैसला करूं, किस्मत का उसकी फैसला तब्बत यदा में है। आए है, आए है, आए है, क्या सच्चाई है माशाल्लाह, बहुत खूब। मैं दुश्मने रसूल का क्या फैसला करूं, जी मैं दुश्मने रसूल का क्या फैसला करूं, किस्मत का उसकी फैसला तब्बत यदा में है। जी अर्थ क्या है कि नमरूद हो, शद्दाद हो, दज्जाल हो, क्या हो, क्या बात है, नमरूद हो, शद्दाद हो, दज्जाल हो, क्या हो, सांपों की कोई नस्ल हो, घड़ियाल हो, क्या हो, सांपों की क्या बात है, क्या बात है, सांपों की कोई नस्ल हो, घड़ियाल हो, क्या हो, जालिम की हुकूमत की बहुत करते हो तारीफ, तुम कौम के रहबर हो कि कव्वाल हो, क्या हो, क्या बात है, क्या बात है उस्मान भाई, क्या बात है, बहुत खूब। नमरूद हो, शद्दाद हो, दज्जाल हो, क्या हो, सांपों की कोई नस्ल हो, घड़ियाल हो, क्या हो, जालिम की हुकूमत की बहुत करते हो तारीफ, तुम कौम के रहबर हो कि कव्वाल हो, क्या हो। अर्ज क्या है कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, जी खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती, क्या बात है। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती,
जिंदाबाद। क्या कहना है उस्मान भाई, वाह वाह वाह, खूबसूरत अंदाज में कलाम पेश कर रहे हैं। सईद हाशमी साहब को बहुत मुबारकबाद आज के मुशायरे की, और वो फिर पीछे की तरफ चले जा रहे हैं। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती जी, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है जी, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। अर्ज क्या है कि बस्ती भी तुम्हारे हैं, जंगल भी तुम्हारे हैं, हाथी भी तुम्हारे हैं, पैदल भी तुम्हारे हैं। जिस झूठ को तुम चाहो फैलाओ जमाने में, जिस झूठ को तुम चाहो फैलाओ जमाने में। अखबार तुम्हारे हैं, चैनल भी तुम्हारे हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है। अखबार तुम्हारे हैं, चैनल भी तुम्हारे हैं। अर्ज क्या है कि किसी खजाने न कारून की जरूरत है, किसी खजाने न कारून की जरूरत है, हमारे इश्क पे मजमून की जरूरत है। बिना तलाक के बीवी को छोड़ने वाले जी, बिना तलाक के बीबी को छोड़ने वाले, तेरे लिए भी तो कानून की जरूरत है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत खूब।